पैन इंडिया सुपरस्टार रामचरण शादी के 11 साल बाद पिता बन गए हैं। उनकी पत्नी उपासना ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है। सोमवार को उपासना को अस्पताल लाया गया था, जहां आज बेटी का जन्म हुआ है। इससे पहले अस्पताल से रामचरण और उनकी पत्नी का एक वीडियो भी सामने आया था। रामचरण की बेटी के जन्म से पूरे देश की फिल्म इंडस्ट्री में खुशी की लहर दौड़ गई है। रामचरण मेगा स्टार चिरंजीवी के बेटे हैं। घर में सालों बाद किसी बच्चे के कदम पड़े हैं, इसलिए चिरंजीवी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। रामचरण और उपासना के बच्चे की खबर हैदराबाद के अपोलो हॉस्पिटल ने शेयर की है, जहां उपासना अभी भर्ती हैं। अस्पताल ने एक मेडिकल बुलेटिन शेयर करते हुए कहा है, मिसेज उपासना और रामचरण की 20 जून 2023 को हैदराबाद के अपोलो अस्पताल जुबली हिल्स में एक बच्ची पैदा हुई है। बच्ची और माँ दोनों स्वस्थ हैं। रामचरण ने साल 2012 में उपासना के साथ शादी रचाई थी, लेकिन शादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी दोनों माता पिता नहीं बन सके। हालांकि ये बात कम लोग जानते हैं कि शादी के बाद उपासना ने अपने एग फ्रिज करवा दिए थे। उपासना ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो और रामचरण पहले अपने जीवन में आर्थिक रूप से संपन्न होना चाहते हैं। दोनों अपने करियर में सफल होना चाहते हैं, इसलिए दोनों ने एक साथ बच्चा जल्दी ना करने का फैसला लिया। और पिछले साल जब राम और उपासना दोनों को लगा कि अब वो संपन्न है, तो दोनों ने बच्चे का डिसीजन ले लिया। आज रामचरण अकेले 1370 करोड़ की संपत्ति के मालिक बन चुके हैं। फिलहाल बेटी के आगमन से रामचरण और उपासना की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। हमारी तरफ से दोनों को बहुत बहुत बधाई।